चलिए आईटी वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये आपका रिपीट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन में इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स द डायोड्स इज रिवर्स बायस्ड, कौन सा इसमें रिवर्स है? तो बताइए पी आपका 2 और ये 4, तो ये लोअर हुआ और ये तो कैसा हुआ? रिवर्स बायस हो गया। तो रिवर्स बायस ये हो गया आपका, ये 0 है और -11 है, तो 0 हायर पे हुआ ना, ये पी वाला हमारा हायर पोटेंशियल पे हुआ, तो ये कैसा हुआ? फॉरवर्ड बायस हुआ। 2 एंड -11 ये भी फॉरवर्ड बायस हुआ, +5 एंड -11 ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। तो कौन सा करेक्ट है आपका? इन द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट शोन बिलो द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड इज 3 वोल्ट, मतलब इसका दिया गया है 3 वोल्ट दिया गया है, ठीक। इसका वोल्टेज कितना दिया है? 3 वोल्ट दिया है, ठीक। चलिए ये आपका 3 वोल्ट दिया गया है, अरे तो चलिए चलो, अच्छा ये आपका कितना है दिया है बताओ? ये 3 वोल्ट है ये, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द करंट थ्रू द जीनर डायोड, ये हमें करंट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने ये बताया था आपको कि ये 3 वोल्ट है, तो ये जीनर हमारा 3 वोल्ट से करंट इधर ज़्यादा जाने, ठीक, ये इसका सिग्नल ऐसे हो जाएगा, मतलब कि इधर जो वोल्टेज होगा वो 3 वोल्ट का ही होगा, 3 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये मतलब हो गया इस 2 किलो ओम को भी कितना मिलेगा? 3 वोल्ट। तो पहले ये करंट निकाल लिया करो, ठीक। इसको हमने नाम दे दिया करंट I1, ठीक, और ये दे दिया हमने I2, और इसको कह लिया हमने I3। तो I1 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब I1 की जब निकालेंगे तो बताइए कितनी हो जाएगी I1 की वैल्यू? I1 इज इक्वल टू, ये 3 वोल्ट है और ये 2 है, तो हो जाएगा 3 upon 2 into 10 to power 3, किलो ओम को हटा दिया तो ये हो जाएगा 1.5 10 to power -3 हो गया, ठीक। अब आप निकालिए I2। अब I2 के लिए देखिए, I2 के लिए ये रेजिस्टेंस ले लेंगे और ये पोटेंशियल ले लेंगे, और ये पोटेंशियल रिवर्स में काम करता है ये, तो I2 की जो वैल्यू हो जाएगी 10 - 3 हो जाएगी, 10 - 3, और रेजिस्टेंस ये लेंगे, इसका रोल नहीं अब इसमें है, तो 1 किलो, तो 1 किलो 1 into 10 to power 3, तो 7 into 10 to power -3, ये भी आपका एम्पियर में है और ये भी किस में है? एम्पियर में है, ठीक। अब आप I3 निकाल लीजिए, तो I3 की जो वैल्यू होगी I2 - I1, तो I2 की वैल्यू 7 into 10 to power -3 - तो 7 में से 1.5 कितना आया? 5.10 to power ampere में आया। अब इसको इन्होंने आंसर दिया मिली एम्पियर, तो 10 to power -3 हटा दो, तो यहां पर आंसर आएगा 5.5 मिली। जीनर के क्वेश्चन के लिए ध्यान दे रहिएगा, बस एक पॉइंट नंबर 1 कि ये जो वोल्टेज जीनर का होगा वही इसका हो जाएगा, नंबर 2 इसकी करंट फाइंड कर लीजिए, नंबर 3 इसका करंट निकाल लो, इस वाले सर्किट में जो करंट का रोल होगा ये पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल अपॉन दिस रेजिस्टेंस। अब इसमें जब निकालने को होगा तो इस करंट में से इस करंट को क्या कर दो, तो 2-3 स्टेप ध्यान दिया रहना, ठीक। इसमें देखिए फाइंड करंट थ्रू जीनर डायोड इफ इट्स ब्रेक डाउन, अब उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, यहां पर ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना दिया गया? 5 वोल्ट ये है, इसका मतलब 5 वोल्ट से ज्यादा इसको नहीं मिलना है, चाहे यहां लगाए चाहे यहां लगाए उससे कोई मतलब नहीं है। फिर सेम स्टोरी वही, इसको हमने I1 कह लिया, इसको हमने I2 कह लिया, इसको हमने I3 कह लिया, तो I1 की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी? I1 इज इक्वल टू, ठीक,
कितना हो जाएगा बताइए, आई वन इज इक्वल टू 5/300, तो 5/3 इंटू 10^-2। अब निकाल लीजिए आप आई टू, तो आई टू की वैल्यू बताइए क्या, जो 20-5, तो 20-5 अपान रजिस्टेंस 200, तो यह आ जाएगा 15/2 इंटू 10^-2। अब आप आई थ्री फाइंड कर लीजिए, तो आई थ्री की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, आई टू माइनस, अब कर लेंगे ना, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें तो बहुत उल्टा सीधा हो गया। चलिए, द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेमी कंडक्टर विल एज ए, एनी इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। अच्छा चलिए देखिए, करें द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड रेजिस्टेंस, ये बताओ, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड बढ़ेंगे, जाएंगे तभी तो करंट फ्लो होता है, बोलो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंक्रीज, और जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करें रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एनी इंक्रीज रेजिस्टेंस। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट, व्हेन सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद बोरान इट बिकम्स पी टाइप, ठीक। अब बताओ ये, अच्छा चलो और आगे, एंड व्हेन डोप्ड बाई आर्सेनिक इट बिकम्स, तो ये बताओ बोरान किस ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, पी टाइप बनाएगा, और ये आर्सेनिक किस ग्रुप का है, फिफ्थ है, तो ये क्या बनाएगा, एन टाइप, तो दोनों बातें सही है ना। अब आ जाते हैं हम स्टेटमेंट सेकेंड, व्हेन सच पी टाइप एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर्स आर फ्यूज टू मेक जंक्शन करंट विल ऑटोमेटिकली फ्लो व्हिच कैन बी डिटेक्टेड विद, मतलब क्या करें, जब हमने पी और एन को मिला दिया तो करंट फ्लो होने लगेगी, और करंट हमारी क्या होगी, अमीटर से रीड की जाएगी। तो करंट बहुत माइन्यूट फ्लो होती है जब हमको मिलाते हैं, करंट जब फ्लो होती जब हम सेल को कनेक्ट करते हैं, पहले जो फ्लो होती है बहुत माइन्यूट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर्स होती है, उसको हम अमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन स्टेटमेंट ए ये करेक्ट है, लेकिन बी करेक्ट नहीं है, ठीक। गिवेन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज अ रीजन। assertion है डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन द मैग्नीट्यूड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। अब याद करिए, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट हमने बताया था आपको, तो डिफ्यूजन ड्यू टू चार्ज कैरियर्स होता था, और ड्रिफ्ट जो होता है जो सेल लगाते थे उसकी वजह से होता था, बोलिए। और फॉरवर्ड बायस में हमने लिखा था आई इज इक्वल टू आई डिफ्यूज माइनस आई ड्रिफ्ट, तो उसमें डिफ्यूज ज़्यादा होती है और ड्रिफ्ट, और रिवर्स में उल्टा हो जाता है, ड्रिफ्ट माइनस डिफ्यूज होती है, याद आया। तो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट में अ डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन डायोड ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट इन द मैग्नीट्यूड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। रीजन है, डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज फ्रॉम द एन साइड टू पी साइड। डिफ्यूजन करंट, अब करंट का डायरेक्शन जरा समझिए, डिफ्यूजन जो करंट थी वो चार्ज कैरियर्स के मूव करने से होती, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो पी से, याद करिए, ये था आपका, इधर ये पॉजिटिव था और इधर ये क्या था, निगेटिव, ये पी टाइप था और ये क्या था, तो ये पॉजिटिव इधर को जा रहे थे, निगेटिव इस साइड को आ रहे थे, तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में, निगेटिव की अपोजिट डायरेक्शन में, यही तो होता था। तो करंट के नेट डायरेक्शन हमारी आएगी पी से एन की ओर, डिफ्यूज करंट की डायरेक्शन किधर आएगी, पी से एन, और ड्रिफ्ट की हो जाएगी एन टू पी।
तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी हो गया। ए करेक्ट है लेकिन रीजन जो है करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है, क्या दे रहे हैं रीजन में देखिए। डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन साइड टू, नहीं पी टू एन होती है। क्लियर हो गया सबको, बोलिए। जीनर ऑफ द पावर रेटिंग 1 वाट ये है इज टू बी यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इफ जीनर हैज ब्रेकडाउन ऑफ 5 वोल्ट। इसका ब्रेकडाउन 5 वोल्ट दिया है। इट हैज रेगुलेटेड वोल्टेज व्हिच फ्लक्चुएटेड बिटवीन 3 वोल्ट एंड 7 वोल्ट। What should be the value of RS for the safe operation? मतलब यहां क्या कर रहे हैं, यहां ध्यान समझिए, इस पर आईटी में कई क्वेश्चन आए हुए हैं। इधर देखिए, यहां पर ये जो है वोल्टेज जो लगा रहे हैं वो कितने के लगा रहे हैं बताओ। अच्छा ये एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये जो आया है उसमें केवल इन्होंने ये डाटा चेंज किया है बस, तो इसीलिए उस क्वेश्चन में रख दिया था, तो वही उठा के यहाँ कर दिया है ताकि थोड़ा क्लियर भी रहे कि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं आपके। तो ये 3 वोल्ट है और कितना है 7 वोल्ट है। ओके, यहाँ पर 2 हम लगा रहे हैं, 3 और 7 लगा रहे हैं, और इसका कितना दिया 5 वोल्ट दिया है, ये आपका 5 वोल्ट है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर एस, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है स्वीप ऑपरेशन, ठीक। रेटिंग इसकी 1 वाट दी गई है, 1 वाट है। यूज टू वोल्टेज रेगुलेटर जीनर हैज ब्रेक डाउन ऑफ द 5 वोल्ट एंड इट हैज टू बी रेगुलेटेड वोल्टेज व्हिच फ्लक्चुएटेड बिटवीन 3 एंड 7। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर एस, अब देखिए ध्यान से इसमें। अभी तक क्या क्वेश्चन कर रहे थे, एक दिया रहता था, ठीक। तो यहां पर देखो ये कितना है 5 वोल्ट है, और लगा कितने रहे, मान लो पहले 3 लगाया हमने, तो 3 वाला कम है ना, और ये ज्यादा है, तो करंट का कोई फ्लो उससे ज्यादा होगा, तभी बैरियर से ज्यादा हो ना, ये एक्चुअली क्या है बैरियर है, उस बैरियर से ज्यादा होगा तभी तो करंट फ्लो होगी। इसका मतलब इस 3 का कोई रोल नहीं है। अब ध्यान समझिए, 2-3 पॉइंट यहां समझिए ध्यान से, इसका कोई रोल नहीं, किसका रोल है 7 का। अच्छा, अब मान लो हम ऐसा कह देते कि यहां पर जो पोटेंशियल है हम कहते 10 एंड 12 लगा देते, तो 10 भी ज्यादा 12 भी ज्यादा है, तो दोनों काम करता, बोलिए। तो वहां पर जो 12 होगा वो मैक्सिमम वर्ड के लिए यूज होगा, और जो 10 होगा वो मिनिमम के लिए, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा वाला होगा तो करंट भी ज्यादा फ्लो होगी। तो जब उसमें ये वर्ड पूछा जाए मैक्सिमम, तो हायर वाला ले लेंगे और मिनिमम लोअर वाला ले लेंगे। लेकिन यहां केस क्या हो रहा है, यहां पर लोअर वाला काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो बैरियर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमारी बात समझ में आई, आईटी में 3 क्वेश्चन ये जो आए हैं ये पूछे जा रहे हैं, मेडिकल में इस तरह क्वेश्चन नहीं आया, मेडिकल में केवल 1 दे देते हैं और पूछ लेते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में आ रहा है तो मे भी रिपीट कर सकते हैं। तो हमारी बात समझे, एक क्वेश्चन तो ये बना कि जो कम है उससे करंट फ्लो नहीं होगी, दूसरी होगी मान लो दोनों इससे हायर होते 5 है, अब एक 10 होता एक 12 होता, दोनों करंट फ्लो करते, तो दोनों क्या पूछा जाएगा, हायर वाला पूछा जाए कि मैक्सिमम करंट क्या होगी, उस केस में कौन लेंगे 12 लेंगे, मिनिमम क्या लेंगे तो 10 लेंगे। क्लियर हो गया, आगे आइए। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के लिए हमें करंट चाहिए, और करंट के लिए यहां पर 1 वाट का दिया गया है, तो समझ गए होगे यहां समय, तो कैसे निकालेंगे, पी इज इक्वल टू बी आई, तो आई इज इक्वल टू पी अपान बी, और पी हमारा दिया है 1, बी हो गया 5, तो हो गया 0.2। ये करंट अब इधर कुछ नहीं दिया, यही करंट आपकी ऐसे जाएगी, तो अब क्या करोगे, आई इज इक्वल टू बी अपान आर,
तो 0.2 इज इक्वल टू वी, वी लेंगे 7 और ये हो गया 5 और ये हो गया आर, तो आर की वैल्यू 2/ इज इक्वल टू, क्लियर हो गया सबको? बोलिए, इधर आउटपुट में यहाँ कोई रेजिस्टेंस दिया नहीं है तो उसको हम कंसीडर नहीं किए, यहाँ दिया होता तो एक क्वेश्चन जो पहले किए वैसे करते। ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड, ठीक है, फोटो डायोड्स आर परफेक्टली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन फॉर लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट। कह रहे फोटो जो डायोड है वो रिवर्स में काम करते हैं, ठीक है। अब रीजन पे आ जाइए, द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन करंट इन द रिवर्स बायस फॉर पीएन जंक्शन। देखिए, इनिशियली तो रिवर्स में क्या होती है, बहुत माइन्यूट होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यदि ऐसे सिंपल पूछा जाए कि फॉरवर्ड रिवर्स में किस में करंट होती है, तो हम कहें फॉरवर्ड में होती है और रिवर्स में ना के बराबर होती है। जब स्पेशल कंडीशन आती है, जीनर कंडीशन आती है, तभी वो मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब फॉरवर्ड में करंट फ्लो होती है और रिवर्स में करंट, तो क्या हुआ, रीजन करेक्ट हो गया आपका? बोलो, तो क्या हो जाएगा इसमें? कह रहे हैं कि द करंट इन द फॉरवर्ड बायस मोर देन रिवर्स बायस, ओके। और दूसरा चीज, फोटो डायोड हमारे हमेशा किस पर काम करते हैं, रिवर्स पर। एक जीनर रिवर्स काम करता और दूसरा फोटो। अभी एक क्वेश्चन कर चुके थे जिसमें ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, याद आया? वही वाला क्वेश्चन है। तो फोटो डायोड ही हमारा किस पर काम करेगा, रिवर्स। अब ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का है, लेकिन जो आईटी में आया है थोड़ा बहुत डाटा चेंज किए, लगभग सब वही है, थोड़ा बहुत बहुत माइन्यूट चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है, तो हमने सीधा वही रख दिया है। इसमें कह रहे हैं कि हैज फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, जो फॉरवर्ड बायस पे काम करेंगे उनका रेजिस्टेंस 25 ओम मान लो, एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रिवर्स बायस। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब कि वो करंट को जाने नहीं देंगे, जो रिवर्स में लगे होंगे वो ओपन सर्किट काम करते हैं। तो हमें I1, I2, I3 फाइंड करनी है। अब देखिए इधर ध्यान से, ये बताइए पहले आइडेंटिफाई करिए इसमें, ये कैसा है, फॉरवर्ड की रिवर्स? फॉरवर्ड है, ये बताइए रिवर्स है, ये बताइए, तो ये रिवर्स बायस है, ये यूजलेस है। I3 की वैल्यू हम कहेंगे जीरो है, इसमें करंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक, ये 125 है, ये 25 है, 125, 25, 125 और ये आपका 5 वोल्ट है, ठीक। करंट यहाँ पे हो गया I4 एंड I3, I1, ये आपका I3 जीरो हो गया। बोलिए, तो ये काम नहीं करेगा। अब ये जो है, जो फॉरवर्ड में 25 है, तो हम ये रेजिस्टेंस जहां डायोड लगा है उसकी जगह 25 लिख लिया करेंगे, ना कहता तो कोई रोल नहीं रहता, बस एक करंट को जाने देता, इतने काम करता। जैसे ये आइडियल हो जाता तो क्या हो जाता कि ये बस इतना होता इसका रोल कि करंट को जाने देता, बाकी हम इसको कंसिडर करने की जरूरत, लेकिन जब रेजिस्टेंस दिया जाए तो उसको हम कंसिडर करेंगे। अब करंट निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, देखिए ये और ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में, तो 125 एंड 25, 150, ये भी 150 हुआ, तो 150 एंड 150 कैसे हो गए पैरेलल में, तो हो गया 75। तो करंट जो I1 आएगी हमारी, I1 हो जाएगी B, ये 5 हुआ, इतने का कितना हो गया 75 हुआ, और उसमें 125 और ऐड कर लो, तो 75 125, तो 5/200,
तो कितना हो जाएगा, 1/5। क्लियर हो गया सबको? ये हमारा निकला है I1। अब ये जो I1 है, ये इधर देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस, ये और ये दोनों सब सेम हो रहे हैं, तो 50-50% क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो I3 इज इक्वल टू I4 आएगी, वो I1 बाई 2 मतलब 140 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1/80। निकाल लोगे ना? बोलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ द लाइट इमिटिंग डायोड? ठीक है, इट इज हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन, इट इमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट फॉरवर्ड बायस, इट इमिट्स लाइट्स ओनली व्हेन इट, अब यहीं पर जब ये गलत है तो दूसरा सही होगा। एक फॉरवर्ड बायस, तो जो ये हमारा होता है LED जो होता है वो फॉरवर्ड बायस पे होता है, पीएन जंक्शन तरह बिहेव करता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड से कम बैक होता है तब ये लाइट इमिट करता है, और लाइट जो होती है विजिबल लाइट होती है। क्लियर हो गया? तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबव द जीनर डायोड, इट वर्क्स एज वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस एंड बिहेव्स लाइक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इन, बिल्कुल सही बात है, ये जो है रिवर्स में क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब कि उससे ज़्यादा का वोल्टेज जाने नहीं देगा। जैसे स्टेबलाइजर लगाते हो TV में, लगा दिया 220, कांटा वहीं रुका रहेगा, आगे नहीं जाने देगा, ऐसे इसका काम होता है। हम चाहते हैं कि कहीं 10 वोल्ट से ज़्यादा जाने ना पाए सर्किट में, तो हम वहाँ पर लगा देंगे 10 वोल्ट का, तो उससे ज़्यादा नहीं जाने देगा। तो ये सही हो गया, इट वर्क्स एज वोल्टेज रेगुलेटर ओनली, तो ये गलत हो गया आपका। बोलिए, कह रहे हैं कि ओनली फॉरवर्ड बायस, इनकरेक्ट। इट वर्क्स एज वोल्टेज रेगुलेटर फॉरवर्ड बायस एंड बिहेव्स लाइक सिंपल पीएन, तो पहला ही करेक्ट है, बाकी सब मामले देखो। इट वर्क्स एज वोल्टेज रेगुलेटर इन बोथ, ये भी गलत हुआ, केवल रिवर्स में ये वोल्टेज रेगुलेटर काम करेगा और फॉरवर्ड में सिंपल डायोड की तरह बिहेव करेगा। बोलिए, इसको घर पे जाके खुद किया करिए, नहीं तो यहाँ कहानी सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। घर पे जाके पढ़िए, इसको अपने आप सेल्व करिए, जो ना हो तो उसको फिर देखिए, वीडियो देख लिया करो। अब ये क्वेश्चन भी आपका NCERT का है, और ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2022 में। सब हमें लग रहा है बहुत माइन्यूट डाटा कुछ चेंज किए थे, ज़्यादा नहीं चेंज किए थे। तो क्वेश्चन ये है कि VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द सिलिकॉन डायोड इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट, दो क्वेश्चन है, IP जब 15 मिली एम्पियर हो, ये IP आपका, इधर IP है और इधर आपका V दिया है, 15 मिली एम्पियर ये दिया गया है, ठीक। तो देखिए इसका मतलब, ये क्लास में हम आपको करा भी चुके हैं सब। यहां कह रहे हैं 15 मिली एम्पियर, ठीक, और दूसरा पोटेंशियल -10 कह रहे हैं, तो -10 आपका ये हो गया। इसमें कोई एक क्वेश्चन शायद ये करंट वाला पूछा गया था, दूसरा नहीं, तो दोनों आप देख लेंगे। तो हमें यहां पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो IOB में दिया गया, और R इज इक्वल टू होता है B/I। बोलिए, R इज इक्वल टू क्या होता है, B/ΔI, ऐसे निकाल लो, या रिवर्स आप स्लोप कर सकते हो। तो हम ये कर रहे हैं, इधर देखिए, तो ए वाला क्वेश्चन हम यहां कर रहे हैं, हम सीधे ये लगा देते हैं ΔB/ΔI। तो ΔB देखिए, ये है आपका बी 0.8 और ये दिया है 0.7, तो हो गया 0.8 माइनस 0.7। अब आई पे इसके करस्पॉन्डेंस आ जाओ, इसके करस्पॉन्डेंस ये 20, इसके करस्पॉन्डेंस है 10, तो हो जाएगा 20 माइनस 10
इनटू ये दिया मिली एम्पियर में, तो 10^-3 एम्पियर में कर लिया, तो बताइए कितना आ जाएगा ये 0.1 × 10^3/10, तो कितना आ जाएगा ये 10^2, तो 10 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। चलो अब बी करें, -10 वोल्ट हो, -10 वोल्ट ये हुआ 10 ही आएगा। अरे ये 10^3 ये हो जाएगा तुम्हारा 10^2, तो एक 0 10 आएगा। इधर देखिए, अब कह रहे हैं ये -10 वोल्ट, तो -10 यहां भी यही कर दो, तो R = δB/δI सीधा लगा दो बस। अब डेल्टा बी देखिए, ये 10 और ये है 0, तो 10 - 0 नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, बोलो तो 10 - 0। अब आई पे आ जाओ, वो हाँ आई पे आ जाओ, ये है 0, ये है क्या 1 μ है, तो 1 × 10^-6 - 0, तो 10 × 10^6 ओम, तो 10^7 ओम आ जाएगा। बोलिए R = B/I, क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट? इसको देखिए, द कट ऑफ वोल्टेज ऑफ द डायोड इन फॉरवर्ड बायस 0.6, कट ऑफ वोल्टेज मतलब वही बैरियर वोल्टेज 0.6 दिया गया है, द करंट थ्रो द रेजिस्टेंस 40 ओम इज, इसमें करंट पूछ रहे हैं आपसे, तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे। इधर देखिए, ये बताओ ये कैसा फॉरवर्ड की रिवर्स, फॉरवर्ड, ये बताइए इसका कोई रोल नहीं है, ये बेकार है। अब करंट आपकी ऐसे जाएगी, ये ऐसे होते हुए ये चली जाएगी, और जिसमें इसका कट ऑफ मतलब वो जो पोटेंशियल ड्रॉप जिसे कह सकते हैं या बैरियर कह सकते हैं, ये 0.6 का दिया गया, मतलब यहां 0.6 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो अब बताइए कि करंट क्या हो जाएगी। I = बोलिए V1 - 0.6/R, अब R बताइए 60 और प्लस, अब यही करंट तो ऐसे आ जाएगी, तो हो जाएगा 0.4/100, तो हो जाएगा 0.4 × 10^-2 एम्पियर। एक मिनट रुको, अब ये मिली एम्पियर यहां दिया गया है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 × 10^-3 एम्पियर, तो 4 मिली। अब ये चैप्टर एकदम आपका पक्का हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन आपका समझ लिए 100% श्योर हो जाएगा, इसीलिए मॉडल हमने पहले पकड़ लिया कि 10 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। इधर देखिए, इन द सर्किट शोन बिलो द मैक्सिमम जीनर डायोड, अब देखिए वही जो हम आपको बता रहे थे, मैक्सिमम जीनर डायोड करंट विल बी, तो मैक्सिमम किससे होगा, ये 120 से होगा, इसका मतलब 100 का कोई रोल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए ये 60 है ना, तो ये करंट IL निकाल लीजिए, IL की वैल्यू हो जाएगी 60/10 × 10^3, तो हो जाएगा 6 × 10^-3 एम्पियर। अब आप I निकाल लीजिए, तो I के लिए रोल क्या हो जाएगा 120 और -60, बोलिए तो हो जाएगा 120 - 60/4 किलो, ठीक। अभी जैसे यहां करा रहे हैं, कराने के बाद अभी खुद ही यहीं पर बैठ के 1 घंटा आप ट्राई करोगे खुद, तो करने लगो 1 घंटे के अंदर कर लो, फिर और चीज पढ़ो, बात समझे, तो तुरंत ही एकदम से आपका और क्लियर हो जाए, खुद करिए और जहां ना है उसको देख लीजिए, तो कितना आ जाएगा 60, तो ये सीधे हो जाएगा 15 × क्या निकालना था आपको, जीनर करंट निकालना था, तो ये बताइए कि IZ क्या हो जाएगा आपका,
आई जेड हो जाएगा आई माइनस आई एल, तो 15 और माइनस 6 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना आ गया 9 मिली एम्पियर, उसको हटा दिया तो मिली एम्पियर में आंसर हमारा आ गया। बोलिए द एनर्जी बैंड गैप सेमीकंडक्टर मेटेरियल प्रो कितना दिया गया है बताओ 4000 एलईडी इज इज इक्वल टू एच सी अपान, अब आंसर आपका किस में दिया है, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो हम क्या करेंगे 12000 लेमडा हमारा किस में दिया है एंगस्ट्रॉम में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये जीरो से जीरो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 124 अपॉन 40 तो कितना आ जाएगा 31.1 इलेक्ट्रॉन इन द कनेक्शन विद द सर्किट ड्रॉन बिलो द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 किलो ओम, 2 किलो ओम ये। अब इन्होंने क्या किया यहां, मतलब ये सर्किट जो हम लोग इधर रखते थे इसको इन्होंने इधर उलट दिया है, ठीक, तो बताइए क्या करेंगे इसको, इधर देखिए करंट ये वाली, तो हम इसको इस वाली करंट को नाम दे देते हैं I1, इसको कह दिया हमने I2 और इसको कह दिया हमने I3, ठीक। चलिए बताइए पहले तो आप I2 निकालिए, तो I2 की वैल्यू बोलिए क्या हो जाएगी, ये 5 वोल्ट दिया है ना और 2 इंटू तो 2.1 बोलो, अब निकाल लीजिए I1, केवल I2 निकालना था, अच्छा अब यहां इन्होंने दिया 10 पावर माइनस 4, तो 10 पावर माइनस 4 करोगे तो इसको लिख सकते हो 25 इंटू पॉइंट को राइट साइड इसको रटे रहना तो निगेटिव, और इसको जो लेफ्ट लाते हैं तो पॉजिटिव ऐड हो जाता है, ठीक। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, पता चला कि यही गड़बड़ा गया एग्जाम में प्रेशर में, दाहिनी साइड जा रहे हैं हमेशा लेफ्ट को मानते हैं निगेटिव और दाएं को मानते हैं पॉजिटिव, तो उल्टा मान लिया करो कि दाएं को निगेटिव और बाएं को पॉजिटिव, राइट को निगेटिव लेफ्ट को राइट जाएंगे तो निगेटिव लेफ्ट जाएंगे, ऐसे याद करें क्योंकि इतना प्रेशर होता है कि पता चला कि वहाँ एग्जाम में फिर वो दो जरा सा इधर उधर हुआ ना तो स्टेज जो ट्रेन है ना वो पटरी फिर नहीं आती है, वो गड़बड़ ही होती है, तो ऐसे चीज़ों को ध्यान दिया रहा कि जहाँ कन्फ्यूजन आपको हो, तो सीधे सीधे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20, क्योंकि यहाँ देखिए ये यहाँ पर ये है, जीनर ब्रेकडाउन अकर इन अ पीएन जंक्शन हैविंग पी एंड एंड बोथ, ठीक है, लाइटली डोब्ड एंड हैव वाइट डिप्लेशन लेयर, कौन सा जीनर हैवली डोब्ड एंड हैव नैरो डिप्लेशन लेयर, जब ये ध्यान दो जीनर जब तुम्हें केवल रिवर्स कहा जाए कि रिवर्स में क्या होता है तब तो उस समय ये कहोगे करंट माइन्यूट होती है, डिप्लेशन लेयर वाइड होती है, रेजिस्टेंस बहुत लार्ज हो जाता है, ठीक। लेकिन जब वो जो है ब्रेकडाउन की पोजिशन में आ जाएगा उस समय करंट क्या होती है मैक्सिमम हो जाती है, जो करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे भाई करंट हो गई मैक्सिमम, तो क्या क्या कह रहे हैं कि जीनर ब्रेक डाउन अगर इन पीएन जंक्शन डायोड तो हम ये सब रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स मतलब करंट क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाती, और जो क्या क्या दिया लाइटली डोब्ड एंड हैव वाइड डिप्लेशन लेयर, हैवली डोब्ड एंड हैव नैरो डिप्लेशन लेयर,
मतलब कि जो डिप्लेशन लेयर है, क्योंकि करंट मैक्सिमम हो जा रही है, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। तो ध्यान दे रहना दोनों बातें, रिवर्स बायस कहा जाए तो वहाँ पर डिप्लेशन लेयर वाइड होगी, और जब जीनर की कंडीशन आ जाएगी तो वहाँ डिप्लेशन लेयर नैरो हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और केवल रिवर्स कहा जाए तो करंट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है हमारी, क्योंकि रिवर्स में जब जीनर कंडीशन आ जाता है, ब्रेकडाउन कंडीशन आ जाता है, उस केस में करंट क्या होती है, सडनली मैक्सिमम हो जाती है। तो ये देखिए बहुत बारीक क्वेश्चन आपको यहां से मिला। अब इसमें देखिए डीसी वोल्टेज रेगुलेटर, अब ये क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं। ये देखिए 6 वोल्ट दिया गया है, अनरेगुलेटेड वोल्टेज 10 to 16, और यहां देखिए वर्ड यूज किया गया मैक्सिमम, तो कौन से लेंगे हम बताओ, तो नहीं करा रहे, फिर हो जाएगा ना। तो मजा आ गया होगा।